हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 33 में दिया हुआ है, सेक्शन 438 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल। ये प्री ट्रायल प्रोसीजर में दिया जाता है। मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि प्री ट्रायल एंड ट्रायल प्रोसीजर होता है, ये प्री ट्रायल प्रोसीजर में दिया जाता है एंटीसिपेटरी बेल। और बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने दे रखी है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट्स को। देखते हैं ये क्या है। एंटीसिपेटरी बेल जानने से पहले जान लेते हैं कि बेल क्या है, व्हाट इज बेल। बेल को डिफाइन नहीं किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। लिटरल मीनिंग है, मतलब डिक्शनरी मीनिंग है इसकी, कि सिक्योरिटी फॉर अपियरेंस ऑफ द एक्यूज्ड by giving which he will be released on bail। ये सिक्योरिटी है। बेल क्या है? सिक्योरिटी है जिससे कि जो accused person है उसको, जब वो देता है ये सिक्योरिटी उसके अपियरेंस के लिए कोर्ट को, कि आप जब भी बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जो कंडीशन आपने मुझ पर लगाई है, मैं आपको हाजिर हो जाऊंगा उस दिन पे। और जैसे वो बेल सिक्योरिटी देता है, उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाता है। जनरल रूल ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कि बेल नॉट जेल, जो बेल है वो एक जनरल रूल है कि बेल, जिस केस में बेल पॉसिबल है उस पे बेल दिया जाएगा, ना कि जेल दी जाएगी। क्योंकि ये इस पे बेस्ड है, दो प्रिजम्पशन है लॉ के, जिस दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिजम्पशन है लॉ के जो बेल कैटर करता है। पहला ये है कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि जितने भी हजार्डियस मुजरिम है, एक्यूज है, पर्सन है, जो क्रूकेड पर्सन है, उनसे सोसाइटी, उनके एक्ट से सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिले। और दूसरी है कि जब तक इनोसेंस, गिल्टी प्रूव ना हो, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो बेल जो है ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के फेवर में रूल बनाया गया है कि गिल्टी प्रूव है नहीं, और अगर पॉसिबल है, जो इंसान अगर नहीं भाग रहा है, जिसका जिसका अटेंडेंस इजीली वो आके मुझे कोर्ट में दे देगा, तो बेल उसे दे देनी चाहिए, ना कि उसे जेल में बंद करना चाहिए। बेल भी दो तरीके होते हैं, बेल भी डिवाइडेड है दो तरीके में, मतलब दो केसेस में दी जाती है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल जो ऑफेंस है वो सेक्शन 436 में दिए हुए हैं, वो एज ऑफ राइट दिए जाते, एक्यूज मांग सकता है कि दिस इज अवेलेबल ऑफेंस एंड मुझे राइट है कि आप मुझे बेल पे इशू कर, रिहा करें, रिलीज करें। जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है वो सेक्शन 437 में दिया गया है, और उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, वो चाहे तो दे सकता है, उसे लगता है कि केसेस फिट है, देनी चाहिए बेल इसको, नॉन अवेलेबल ऑफेंस में देनी चाहिए, वो नहीं भागेगा, या सीवियरिटी नहीं उतनी ज़्यादा केसेस की, तो उस केस में वो उसे बेल दे सकता है। पर ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, 436 में एज ऑफ राइट मांगते हैं। तीसरे तरीके का है एंटीसिपेटरी बेल। आप इसके नाम से ही दे सकते हैं, एंटीसिपेशन मतलब अनुमान। अगर आपको आप बहुत शॉर्टी के साथ ये कह सकते हैं कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है आपको दी जा सकती है। आप कह सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल इज अ डायरेक्शन टू रिलीज ए पर्सन ऑन बेल इशूड इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड। एंटीसिपेटरी बेल इज बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। आपने देखा जो ऑर्डिनरी बेल था, उसमें जब पुलिस पकड़ लेती है आपको, उसके अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। पर एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि अभी आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपकी अरेस्ट होगी, और उस केस में आप कोर्ट के पास जाते हैं कि मुझे डर है कि मुझे किसी नॉन बेलेबल, एक स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए मुझे अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए आप मुझे बेल प्रोवाइड करें। और सारी चीजों को देखते हुए आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में से कोई भी, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है दोनों की, कोई भी आपको बेल दे सकता है कि जैसे ही आप अरेस्ट होंगे वैसे ही आपको रिलीज कर दिया जाएगा। डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी अरेस्ट में और एंटीसिपेटरी बेल में, ये कि ऑर्डिनरी इज ग्रांटेड आफ्टर अरेस्ट एंड देयरफॉर मींस रिलीज फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस।
वेयर एज एंटीसिपेटरी बेल क्या है, द लेटर इज ग्रांटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट एंड देयरफॉर इफेक्टिव एट द वेरी मोमेंट ऑफ अरेस्ट। ये पहले ही दी जाती है और जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है वैसे ही इफेक्ट में आ जाती है, वैसे ही आपको बेल दे दी जाती है, इसके लिए आपको पुलिस कस्टडी में जाने की जरूरत नहीं है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 कैन नॉट बी इन्वोक्ड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। मैंने बताया ये पहले अक्यूज के अरेस्ट होने से पहले ही ये बेल दी जाती है, जैसे ही अरेस्ट होता है वैसे ही इफेक्ट में आ जाती है। अगर आप अरेस्ट रह चुके हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, आपको रेमेडी सेक्शन 437 या 439 के अंदर ही कोर्ट के लेनी पड़ती है। मैं बता दूं आपको कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ओरिजिनल हमारे कोड में नहीं था, सीआरपीसी के सिवा सीआरपीसी जो 1882 में पहली बार आया बना था, उसके बाद 1898 में उसे अमेंड किया गया था और वही कोड चल रहा था अंटिल 1973 में वापस से इसे अमेंड किया गया और 1 अप्रैल 1974 से हम जो अभी प्रेजेंट कोड है उसे पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐड किया गया था। इनिशियल कोड में एंटीसिपेटरी बेल नहीं था। जब लॉ कमीशन 41st लॉ कमीशन 1969 ने जब रिकमेंड किया था कि देयर इज अ नेसेसिटी फॉर गारंटिंग एंटीसिपेटरी बेल अराइजेस मेनली बिकॉज सम टाइम इन्फ्लुएंशियल पर्सन तो जो हाई अथॉरिटी पे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है या पावर होती है, फिर पर्सन ट्राई टू इम्प्लीकेट देयर राइवलरीज इन फॉल्स केसेस फॉर द पर्पज ऑफ डिसग्रेसिंग दैम और फॉर अदर पर्पज बाई गेटिंग दैम डिटेन इन जेल फॉर सम टाइम। अब दिखाने के लिए पावर, किसी से आपको झगड़ा हो गया, खुन्नस हो गया, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो आप क्या करते हैं, आप पॉलिटिशियन है या कोई और बड़े बिजनेसमैन है तो आप क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज करके उसे जेल में डलवा देते हैं। तो ये इसको कैटर करने के लिए 41st लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमारे सिविल क्रिमिनल प्रोसेस कोड में एंटीसिपेटरी बिल की प्रोविजन होनी चाहिए लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम फॉल्स केसेस देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर होल्डिंग दैट पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट लाइकली टू एब्सकॉन्ड और अदरवाइज मिसयूज हिज लिबर्टी व्हाइल ऑन बेल देयर सीम्स नो जस्टिफिकेशन टू रिक्वायर हिम फर्स्ट टू सबमिट टू कस्टडी रिमेन इन प्रिजन फॉर सम डेज एंड देन अप्लाई फॉर बेल। तो और जहां पे कोर्ट को लगता है कि जो ऑफेंडर एक्यूज है वो भागेगा नहीं, अपनी लिबर्टी का मिसयूज नहीं करेगा, वहां पे ये फिर जस्टिफाई नहीं होता कि आप पहले उसे जेल में डालें और उसके बाद उसे अरेस्ट करें, फिर जेल में डालें, फिर उसके बाद कहें कि आप लीगल अप्लाई करें। अगर जहां पॉसिबल है आप उन्हें जो आपको लगता है कि आप केस वाइज केस डिपेंड करता है, जहां लगता है उन्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए वहां पे वो बेल पे उनको रिहा कर देते हैं बेलेबल ऑफेंस में। द रेशनल बिहाइंड एंटीसिपेटरी बेल इज दैट इंडिविजुअल लिबर्टी मस्ट नॉट पुट इन जियोपार्डी ऑन द इंस्टेंट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। वाइल गारंटिंग एंटीसिपेटरी बेल द कोर्ट मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस सो दैट इंडिविजुअल मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन एंड द फेथ ऑफ पब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज नॉट शेकन। कोर्ट को बैलेंस करना पड़ता है कि देखिए इंडिविजुअल की लिबर्टी उसे ना ह्यूमिलिएट करे और जो लोगों का जो सोसाइटी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भरोसा है वो भी ना टूटे। तो ये कोर्ट की बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल के फॉर्म में। चलते हैं फिर आगे पढ़ते हैं कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी क्या दिया के अंदर क्या दिया हुआ है। वेयर एज एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस ही मे बी अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल एंड दैट कोर्ट मे after taking into consideration the following factor, namely the nature and gravity of accusation, the antecedent of the applicant, including effect as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence, the possibility of applicant to flee from justice where the accusation has been made with subject of injuring or humiliating the applicant by having him so arrested।
इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर ये डर है कि वो उसको रीजनेबल डर है कि उस नॉन बेल ऑफेंस के लिए उसको कम वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है डायरेक्शन के लिए कि इन द केस ऑफ अरेस्ट ही शुड बी रिलीज ऑन बेल। और जो कोर्ट है वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन क्या है, कैसा उसने क्राइम किया है, इसकी ग्रेविटी क्या है एक्यूजेशन की, वो प्रीवियस कन्विक्शन उसको हुई है कि नहीं किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, वो प्रीवियस को इम्प्रेजमेंट भेजा गया है कि नहीं किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो भाग जाएगा जस्टिस को, मतलब जो जस्टिस सिस्टम है उसको धोखा देगा या भाग जाएगा, कितनी परसेंट चांसेस है। और जहाँ कोर्ट को लगता है क्या जो ये अरेस्ट है वो किसी भी इंसान को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसकी इंजरी करने के लिए एप्लीकेंट को की जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है या तो रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन फॉरथ वहीं की नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन हम नहीं इंटरटेन कर सकते हैं क्योंकि नहीं लगता है कि आपका केस एक वैलिड केस है या फिर सही केस है, या तो फिर इंटरिम ऑर्डर इशू करती है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, एंड इन केस ऑफ रिजेक्शन और नो इंटरिम ऑर्डर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और जहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया या फिर इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, वहाँ पे जो पुलिस है जिसको पास वारंट था उसके वारंट था या नहीं था उसके अरेस्ट के लिए, उसको देन एंड देर अरेस्ट कर सकती वो जहाँ भी है। और जहाँ पे कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर देती है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस भेजती है एटलीस्ट 7 days बिफोर द फाइनल हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन की बेल एंटिसिपेटरी बेल दिया जाए या कि नहीं दिया जाए, बिकॉज अगर वो नोटिस प्रोवाइड नहीं करेगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसके डिफेंड करने के लिए, उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिया जाए। समटाइम सीरियस ऑफेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे देना सही नहीं होता, अभी डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की तो आप कुछ नहीं करते, कोर्ट ही सब कुछ कर सकता है, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक चांस जरूर देना चाहिए। The presence of applicant is obligatory at the final hearing if the court consider it necessary in the interest of justice if application is made by public prosecutor in this behalf. Amendment Act 2005 ने इसे mandatory कर दिया है applicant के लिए कि अगर public prosecutor apply करता है court को कि नहीं जब final hearing हो रही है case की तो कोर्ट को जो एप्लीकेंट है उसको प्रेजेंट होना बहुत मैंडेटरी कर दिया, पर ये जो अमेंडमेंट था ये बहुत ज़्यादा क्रिटिज्म अट्रैक्ट किया था, बिकॉज एंटिसिपेटरी बेल का मोटिव ये है कि जो एप्लीकेंट है वो दूर रह सके पुलिस से, अरेस्ट से बच सके, और अगर आप इसे ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी कर देते हैं कि फाइनल हियरिंग पे उसे बुलाया ही जाए तो इनकेस अगर बेल मना हो जाती रिजेक्ट हो जाती तो पुलिस उसको देन एंड देयर अरेस्ट कर सकती है, उसका चांस जो है उसका जो चांस है अपील करने का वो डिफाई हो जा रहा है। तो 2005 के अमेंडमेंट को बहुत इस प्रोविजन के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, पर स्टिल ये प्रोविजन है और चल रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसे प्रेजेंट होना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई एप्लीकेशन देता है कोर्ट को कि फाइनल हियरिंग पे कि प्लीज एप्लीकेंट को बुलाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। When court make direction, it may include following condition. जब court आपको anticipatory bail दे रहा है, interim bail दे रहा है, तो ये जो following conditions है, वो उसमें include कर सकता है. That a person make himself available for police interrogation as and when required. ठीक है कि जब भी पुलिस इंटरोगेशन होगी वो जब एंड जैसे बुलाया जाएगा वो वैसे आएंगे। तो पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिसूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और पुलिस। कि जो जिसको बेल मिल रही है, जिसको जिसकी बेल एप्लीकेशन अलाउ की जा रही है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को कोई ललचाएगा नहीं या डराएगा नहीं, थ्रेट नहीं देगा कि जो केस का जो फैक्ट है जो आपको पता है वो उसको अलग कर सके, मतलब मैनिपुलेट कर सके किसी को भी विटनेस को या किसी पर्सन को जो केस के बारे में जानता हो। तो पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट कोर्ट्स परमिशन। ठीक है कि वो इंडिया को नहीं छोड़ेगा विदाउट कोर्ट्स परमिशन। द सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 437 सब सेक्शन 3 एज इफ बेल वेयर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। सेक्शन 437 जो है वो नॉन बेलेबल केस में बेल देने के है, और उसमें कुछ सब सेक्शन 3 में
कुछ कंडीशन दी गई, काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशन ही है कि जब भी बुलाया जाएगा, जो भी बेल में आपको कंडीशन दी गई है आपको उसको फॉलो करनी पड़ेगी, एज ए बेल कंडीशन, और टेम्परिंग नहीं करेगा विटनेस से या फिर सब किसी भी सबूत से। तो इस टाइप के दोबारा जिस चीज़ के लिए कन्विक्शन, जिस चीज़ के लिए एक्यूजेशन है उसको, या कन्विक्शन जिस चीज़ के लिए है एक्यूजेशन है, वो दोबारा वो क्राइम ड्यूरिंग दैट बेल पीरियड वो कमिट नहीं करेगा। तो इस तरीके कंडीशन उसमें दिए हैं। तो कह रहा है कि अगर अदर भी कंडीशन लगा सकते हैं तो उनमें दिए हुए एज इफ कि ये एप्लीकेशन जो है 437 के अंदर प्रेजेंट ली गई है। इफ द पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट ही शैल बी रेडी टू रिलीज ऑन बेल एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और वेन ही इज इन पुलिस कस्टडी, मजे मस्ट इश्यू अ बेलेबल वारंट अगेंस्ट द पर्सन इफ ही कंसिडर नेसेसरी। अगर कोई पर्सन जब बेल इंट्री बेल या बेल एप्लीकेशन जब दी गई है तो वो विदाउट वारंट अगर जो उसे अरेस्ट किया गया है तो तुरंत ही वहीं पे ये वो कर दिया जाएगा, बेल पे छोड़ दिया जाएगा, या पुलिस कस्टडी में है तो वो उसको पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं किसी केस में वारंट इशू करना चाहिए तो पहले वो वारंट बेलेबल वारंट इशू करते हैं, फिर उन्हें कस्टडी में लेते हैं कि नहीं, पुलिस जाती है अरेस्ट करने के लिए, उसके बाद वो बेल दे के छूटते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थे 438 के, जो प्रोविजन जो सेक्शन 438 प्रोवाइड फॉर कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैं बता दूं दोनों को सिमिलर पावर है, सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट की, पर ये आपको बेनिफिट रहता है अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाते हैं और उसने मना कर दिया बेल के, रिजेक्ट कर दिया, जो भी कर दिया, तो आप दोबारा सेशन कोर्ट नहीं जा सकते अपनी अपील लेके। पर अगर सेशन कोर्ट में आप करते हैं और उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम बेल नहीं दे सकते, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमेशा बेनिफिशियल होता है कि पहले आप सेशन कोर्ट जाएं एंड देन हाई कोर्ट जाएं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि 438 इज अवेलेबल ओनली नॉन बिलेबल ऑफेंस, मैंने बता दिया था। एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी क्लेम एज मैटर ऑफ राइट। 436 के अंदर जो सेक्शन है, जो प्रोविजन दिया है, उसमें आप मैटर ऑफ राइट उनसे मांग सकते हैं कि आपने कोई अगर बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो आप एज ऑफ राइट कह सकते हैं कि भाई मैंने बेलेबल ऑफेंस किया, मेरा राइट है बेल लेने का। पर 438 के अंदर आपको एंटीसिपेटरी बेल के अंदर मैटर ऑफ राइट इज प्योरली अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है स्टेट के और सेंटर के, तो कुछ कोई कोई स्टेट इसे इस एंटीसिपेटरी बेल को हटा भी सकती है, वैलिडली हटा सकती है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। ST ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में भी इससे एंटीसिपेटरी बेल को एक्सक्लूड किया गया है, उसमें ये प्रोविजन नहीं रखा गया है। और एक बार अगर शुरू हो जाती है कोई भी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, आप अरेस्ट हो जाते हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल आपको फिर नहीं मिल सकती है, वो हमेशा अरेस्ट के पहले दी जाती है एंटीसिपेटरी बेल। अगर उसके बाद अगर कुछ हो गया है तो आपको 437 या 439 में आपको लेनी पड़ेगी। लीडिंग केसेस से बहुत सारे लीडिंग केसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट है गुरुबख्श सिंह सीबिया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980, और रिसेंटली ही दो केसेस आए हैं सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट 2020 और पृथ्वीराज चौहान वर्सेज इनऑफ 2020। सुशीला में अग्रवाल में जो बात उन्होंने गुरुबख्श सिंह सीबिया में कही थी वही बात उन्होंने रिट्रीट की, जो जजमेंट उन्होंने उसमें तब दिया था कोर्ट ने, वही जजमेंट उनको यहाँ पे भी दिया और कुछ गाइडलाइंस दिंगी। जब आप एंटीसिपेटरी बेल किसी को दे रहे हैं तो कोर्ट को अपने दिमाग में क्या बातें रखनी चाहिए, क्या बातें नहीं रखनी चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अब आप एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं बना सकते, केस बाई केस ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो गुरुबख्श सिंह सीबिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, 8 से 9 गाइडलाइंस दी थी, एक बार उन्हें ध्यान में देते हैं। कोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल मेरली बिकॉज द एलिस्ट ऑफेंस इज वन पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट। कोर्ट ने कहा था कि जो पावर है सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि अब ये बस डेथ से पनिशमेंट इसकी दी गई या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, आप इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपको लगता है कि
ये केस है जो वो ठीक है कि जिसमें एंटिसिपेटरी बेल देना चाहिए, भले ही वो उसमें डेथ एक वन ऑफ द पनिशमेंट हो या लाइफ इंप्रिजन ऑफ द पनिशमेंट हो, आपको लगता है कि एंटिसिपेटरी बेल देनी चाहिए तो आप दीजिए, और अगर कोई नॉर्मल सा भी केस है और उसमें आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए एंटिसिपेटरी बेल तो आप मत दीजिए। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पावर में, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पावर में, कि आपको इस केस में एंटिसिपेटरी बेल देना और इस केस में नहीं देना, ये प्योरली आपके डिस्क्रिशन है। दूसरा डायरेक्शन दिया था द रेशनल ऑफ डायरेक्शन अंडर एंटिसिपेटरी बेल 438 इज द बिलीफ ऑफ एप्लीकेंट फाउंडेड ऑन रीजनेबल ग्राउंड दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। द यूज ऑफ एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव शोज दैट बिलीव दैट अपीलेंट मे बी अरेस्टेड मस्ट बी फाउंडेड ऑन रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए एप्लीकेंट के पास कि मुझे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाएगा, मेयर फियर डर की नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे तो डर लग रहा है इसके लिए नहीं। आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, क्या रीजन है, आपने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ और आपको क्यों लगता है कि आपको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि लीगली इट इज पॉसिबल टू पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर टू एंटिसिपेटरी बेल। पॉसिबल है कि एंटिसिपेटरी बेल एक्स पार्टे भी पास किया जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं बुलाया जाए या एसोसिएटेड पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया जाए, अगर जहां लगता है कि जरूरी है केस में, पर इट इज नॉट डिजायरेबल कि आप एक्स पार्टे फॉलो करें, पर अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो आप कर सकते हैं। फिर चौथा क्या होना था कि नो ब्लैंकेट ऑर्डर, नो ब्लैंकेट ऑर्डर कोर्ट के हिसाब से वेर एवर अरेस्टेड फॉर विच एवर ऑफेंस व्हाटसोएवर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ऑफेंस कर लीजिए और किसी भी ऑफेंस के लिए और कितने भी समय के लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, द एप्लीकेंट मस्ट हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही माइट बी अरेस्टेड फॉर हैविंग कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजन। आपको कोर्ट में अप्लाई करने के लिए कि एंटिसिपेटरी बेल मुझे चाहिए, आपके ऊपर स्पेसिफिक एक्यूजन होना चाहिए कि नहीं आपने ये आईपीसी के अंदर या किसी और लॉ के अंदर या किसी स्पेशल लॉ के अंदर आपने कोई नॉन बेलेबल क्राइम किया है, आपके पास एक्यूजन ऐसा लगा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस कुछ भी नहीं मुझे लगता है कि मैंने ये किया होगा, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई जनरल एक्यूजन है कि ऐसे ही कर जाओ, नहीं, स्पेसिफिक एक्सिक्यूजन इज इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल क्या कहा था कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर नॉट ए कंडीशन प्रेसिडेंट। जो एंटिसिपेटरी बेल है, इवन बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर आप जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस स्पेसिफिक नॉन अवेलेबल एक्यूजन के लिए मुझे अरेस्ट किया जाएगा, अभी उसकी एफआईआर भी फाइल नहीं है, फाइल हो सकती है एफआईआर उसके बाद भी, तो एफ आई आर फाइल करना कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, उसके पहले भी आप कर सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो एंटिसिपेटरी बेल आफ्टर अरेस्ट, अगर एक बार आप अरेस्ट हो गए तो फिर एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया सेक्शन 437 या 439 के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बेल टू बी इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल टू बी इफेक्टिव आफ्टर बेल टू बी एफेक्टेड टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जब एक बार एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल जाएगी तो जरूरी नहीं कि आपका ट्रायल कमेंस हो गया, आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो वो कैंसिल हो जाएगा। जब तक कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल नहीं हो जाता तब तक एक एंटिसिपेटरी बेल इफेक्टिव रह सकता है, जरूरी नहीं कि पहले ही खत्म हो, टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, अगर आपको कन्विक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है तब तक वो इफेक्टिव होता है एंटिसिपेटरी बेल, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाए। कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, जो कोर्ट आप बेल देता है एंटिसिपेटरी वो उसे कैंसिल भी कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जरूरी नहीं है कि ग्रांटिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, आप कोर्ट ये कहता है कि डिस्क्रिशनरी पावर है जिसे आप, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज करें, बस वहां पे एक सिंपल एक सही सा एक केस होना चाहिए जहां पे अपनी आप डिस्क्रिशनरी पावर आप यूज कर सकते हैं, जो बाकी केसेस में नहीं होती कि नहीं ये कोई एक्सेप्शनल अलग सा केस क्रिएट कर रहा है तो हमें अपनी पावर यूज करनी चाहिए एंटिसिपेटरी बेल की, नहीं ऐसा नहीं है,
आप एक नॉर्मल केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये नॉन बेलेबल, और आपको अगर एप्रिहेंशन ऑफ अरेस्ट है कि आपको स्पेसिफिक एक्यूजिशन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है तो अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्ट उसे देगा, कोई कोर्ट आपसे कोई आउट ऑफ द वे जाके स्पेशल केस एस्टेब्लिश करने को नहीं कहेगा। और यही बात आपके सुशीला अग्रवाल वैसे स्टेट में 2020 में जनवरी में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यही बात उन्होंने कही थी। दो क्वेश्चंस को उन्होंने कैटर किया था इस केस में, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी शुड बी लिमिटेड टू ए फिक्स पीरियड सो एज टू इनेबल द पर्सन टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट और सीक रेगुलर बेल। बस अब बताया मैंने कि कोर्ट ने कहा था कि नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि शुरू में आपको बेल दे दी गई, नहीं बेल दे दी गई, बाद में ट्रायल कोर्ट के ट्रायल शुरू होने से पहले उसे खत्म कर दिया जाए क्योंकि सो दैट आप सरेंडर कर दें और उसके बाद आपको रेगुलर बेल जाए। वो कहे जब तक कॉन्क्लूजन ऑफ ट्रायल नहीं हो जाता तब तक, जब तक केस खत्म, कॉन्क्लूजन ट्रायल का मतलब जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी एंटिसिपेटरी बेल इफेक्टिव रहेगी। और दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने कहा था, जो सॉल्व किया था, ये था कि वेदर द लाइफ ऑफ ए एंटिसिपेटरी बेल शुड एंड एट द टाइम एंड स्टेज व्हेन द अक्यूज्ड इज समन बाय द कोर्ट। फिर यही क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि समन, एक बार जब कोर्ट जो है समन कर देता है एप्लीकेंट को जो एक्यूज है, तो उसका जो लाइफ पीरियड है एंटिसिपेटरी बेल का वही खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर उस पर कोर्ट कहा था कि नहीं, जब तक कि केस चल रहा है, एक्यूज को समन किया जाए, चार्ज फ्रेम किया जाए, फिर ट्रायल कंटिन्यू किया जाए, एविडेंस लिया जाए, और जब तक कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक आपका एंटिसिपेटरी बेल इफेक्टिव होगा एंटिसिपेटरी बेल, और उसे कोई भी नहीं खराब कर सकता, एक्सेप्ट कैंसिल नहीं कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में। एक 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, सभी को पता है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और उसमें बताया था, उसमें जो अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो ये जो प्रोविजन है 438 का एंटिसिपेटरी बेल का, शैल नॉट अप्लाई टू एनी अरेस्ट of any person on accusation of having committed an offence under section 376, 376AB, 376DA or section 376DB of Indian Penal Code. मेरे offence related to rape में ये जो provision है anticipatory bail का वो applicable नहीं है। 2018 के amendment से ये कहा गया था, इसमें ये नहीं apply कर सकते anticipatory bail के लिए। तो ये था एंटिसिपेटरी बेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटिसिपेटरी बेल, नॉर्मल पर्सन को भी ज़रूर जानना चाहिए और जो लीगल है उन्हें तो जानना ही चाहिए कि उनके राइट क्या हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि जैसा, क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड है इन्फ्लुएंशियल पर्सन में और नॉन इन्फ्लुएंशियल पर्सन में, तो जो जो कमज़ोर होते हैं उन पर किया जाता है कि उन्हें अपनी ग्रचेज निकालने के लिए, चीज़ें निकालने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, इंडिविजुअल का अपना राइट ख़राब होता है, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपर में आता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में, स्टूडेंट्स के एग्जाम में बहुत ही फेवरेट होता है टीचरों का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो होता ही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।